दंतेवाड़ा में धान खरीदी शुरू होने के साथ ही गड़बड़ियां भी सामने आने लगी हैं। जिले के गीदम धान खरीदी केंद्र में किसानों से प्रति बोरी 1 किलो ज्यादा धान देकर उसे 1 किलो कम दर्शाया जा रहा था। पतले धान को मोटा बताकर उसे मोटा धान की श्रेणी में खरीदने की शिकायत भी मिल रही थी। खरीदी केंद्र प्रभारी और प्रबंधक मिलीभगत से इस गड़बड़ी को अंजाम दिया जा रहा था। शिकायत के बाद प्रशासन ने एक जांच कमेटी भेजकर मामले की जांच कराई है, जिसमें पाया है कि इस केंद्र में व्यापक पैमाने में गड़बड़ी की जा रही है, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से केंद्र प्रभारी विजेंद्र ठाकुर की सेवा समाप्त कर दी गई है। जांच कमेटी का प्रतिवेदन मिलने के बाद कलेक्टर आगे कार्रवाई करेंगे। जांच करने पर पाया गया कि किसानों से जो खरीदा गया है वो 41 किलो धान था। अब पूर्व में जो धान है उसमें से कुछ में 40 किलोग्राम 700 ग्राम निकला है और कुछ में 41 किलो 41.5 किलो की बढ़ती प्राप्ति प्रारंभिक जांच है, जिसमें पंचनामा बनाया जा रहा है, किसानों से बयान लिया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।